पूरी अयोध्या के मंदिरों के ठाकुर जी विमान से जाके आते हैं आज हरियाली तीज मनाने। अच्छा यहाँ पे? हाँ, बहुत बड़ा मेला मान हरियाली, मत जान लीजिए कि झूले के लिए जगह बना हरियाली तीज की, है ना। हरियाली तीज से शुरू हो जाएगा ना, तो फिर रक्षाबंधन तक चलता है, पूर्णिमा तक, लेकिन एक दिन के महात्म हरियाली तीज का ज्यादा महात्म है। उस दिन जब दर्शन कर ले तो फिर शरीर कहीं भी छूटेगा आवागमन से मुक्त, मैंने लक्ष चौरासी में भ्रमण करना। अरे वाह। तो दोस्तों मैं हूँ मणि पर्वत के एरिया में, ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं, जा रही हैं मणि पर्वत की तरफ, और मणि पर्वत के लिए कहते हैं ये वो स्थान है जहाँ पर जब श्री रामचंद्र जी लंका को विजय करके वापस आए थे तो सारे आसपास के राजाओं ने प्रसन्न होकर उनको बहुत सारी मणियाँ और उपहार दिए थे, स्वर्ण आभूषण और मणियाँ सारी प्रदान की थी, तो वो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि यहाँ पर उनका ढेर लग गया था और वो एक पहाड़ की आकृति की बन गई थी, तो तब से इसको मणि पर्वत कहा जाने लगा था। इसकी एक दूसरी भी कहानी कही जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि राजा दशरथ को राजा जनक ने इतनी सारी मणियाँ और सारे उपहार दिए थे जिसकी वजह से यहाँ पे पर्वत बन गया था और इसे मणि पर्वत नाम दिया गया। तो कहानियाँ तो अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ का जो मंदिर है कहते बहुत ही सुंदर है और इसके दर्शन बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं वो लोग जो इसके दर्शन कर पाते हैं। तो चलिए हम आपको कराते हैं यहाँ के दर्शन और दिखाते हैं यहाँ की सारी चीज़ें जो भी आसपास। धर्म की नगरी अयोध्या प्राचीन अवशेषों से भरी पड़ी है, उसी प्राचीन धरोहर में से एक मणि पर्वत का नाम भी आता है। ये स्थान कितना प्राचीन और कितना आध्यात्मिक है, आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जनवरी में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम वन गमन मार्ग और राम जी से जुड़े 290 स्थान पर श्री राम स्तंभ लगाए जा रहे हैं, और उसमें जो सबसे पहला स्तंभ है वो लगाया जा रहा है हमारे मणि पर्वत के क्षेत्र में, और इन स्तंभों पर राम कथा के प्रसंगों को लिखा जाएगा, और जिस जिस स्थान पर ये स्तंभ लगाए जाएंगे उस स्थान से संबंधित जो भी राम कथा का प्रसंग होगा वो उस पर लिखा जाएगा। और इस स्तंभ की जो लंबाई है वो होगी 15 फीट ऊंचाई और इसकी जो चौड़ाई है वो होगी 3 से 4 फीट। और ये जो मणि पर्वत क्षेत्र के लिए पहला जो स्तंभ मंगाया गया है वो राजस्थान से स्पेशली मंगवाया गया और जो कि बना हुआ है पिंक सैंड स्टोन का। तो अब हम पहुंच गए हैं बिल्कुल मणि पर्वत के द्वारे पे, मतलब बिल्कुल सीढ़ियों पे, और अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ की सारा चारों तरफ का कितना अच्छा नज़ारा। बंदर बहुत है मित्रों, लेकिन यहाँ आके यहीं भी इतना अच्छा लग रहा तो सीढ़ियाँ चढ़ के कितना अच्छा लगेगा। तो ये सीढ़ियाँ हैं जो जा रही हैं मंदिर की तरफ, तो चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ज़रा। आपने देखा यहाँ के चारों तरफ के पीपल और बरगद के पेड़ कितने सुंदर सुंदर हैं, और ऊपर चल के देखते हैं ऊपर और क्या क्या है। मित्रों यहाँ के लिए ऐसी मान्यता है कि इसी मणि पर्वत पर भगवान राम ने माता सीता के साथ श्रावण मास में तृतीया तिथि अर्थात हरियाली तीज के दिन झूला झूलते थे। तो त्रेता युग की यह परंपरा कलयुग में भी चली आ रही है। मणि पर्वत पर भगवान झूला झूलते हैं तो वहीं श्रद्धालु मंदिर में झूलन उत्सव का आनंद लेते हैं, पूजा अर्चन व दर्शन करते हैं, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कामना करते हैं। तो यहाँ पर हरियाली तीज का बहुत ज्यादा महत्व है, और अब हम काफी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर तक पहुँच चुके हैं। चारों तरफ आप देखेंगे यहाँ पे बंदर बहुत ज्यादा हैं, और मैंने देखा इतनी ओल्ड एज के लोग भी बहुत, जिनसे चढ़ा भी नहीं जा रहा वो भी इतने मतलब भक्ति भाव में है कि वो यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, धीरे धीरे चढ़ पाते हैं, लेकिन सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। बानर जी आ रहे हैं, बानर आ जाओ। मित्रों जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको रास्ते में बहुत सारे बंदर मिलेंगे। हालांकि बंदर बहुत अच्छे हैं, ये कोई किसी के ऊपर हमला नहीं कर रहे, किसी को काट नहीं रहे, लेकिन उनको देख के लोग दूर से डर ही जाते हैं, तो बस ये है कि थोड़ा सा इनसे सावधान होकर ऊपर तक जाना पड़ता है। और अब हम देखिए बिल्कुल मंदिर के पास में पहुँच गए, ये रहा मंदिर। जय।
भूषणम् नौकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। अरे भरोसा और सुख संपत्ति की क्या कहे, नरक न पा बैठो। सही बात है। यहाँ पे क्या भाई, क्या बनाया हुआ यहाँ पे, यहाँ पे क्या है? झूला है। अच्छा झूला है, झूला सजाया गया शाम को। चल चल सावन, सावन में। अच्छा सावन, सावन में यहाँ पे झूला बनता है। और ये मड़ी से पर्वत बनवाए थे जन। तो इसकी क्या है सही कहानी? वहाँ तो राम जी जब लौट के आए हैं ना, तो दीपावली मनाया गया है। अच्छा, जिस दिन आए हैं। हाँ हाँ। इसके बाद परिक्रमा किया गया है और जो है भगवान राम के शादी भाई है। शादी के बाद जनक जी आपने बिटिया कहाँ लोग जाते हैं। हाँ, हाँ, तो उन्होंने दिए आए। हाँ, थे। हाँ, तो जमीन खरीदे थे जनकौरा है। हाँ, यहाँ अयोध्या में कल्पवास का महात्म है। तो ये कल्पवास करने के लिए जमीन खरीदे थे। जमीन की कीमत में इतना मड़ी भेज दिए जनक जी जनकपुर से। अच्छा। तो दशरथ जी कहे हमारे कोष खजाना खाली नहीं, ले जाकर जंगल में रख दो। क्षेत्र अशोक वन है, यहाँ रखने से पर्वत बन गया, इसलिए इसका नाम मड़ी पर्वत हो गया। तो माता जी इसका महिमा बड़ा है, सावन में हरियाली तीज मनाई थी। अच्छा अच्छा। तो इस पूरी अयोध्या के मंदिरों के ठाकुर जी विमान से जाके आते हैं आज हरियाली तीज मनाने। अच्छा, यहाँ पे। हाँ, बहुत बड़ा मेला मान हरियाली, मत जान लीजिए कि झूले के लिए जगह बना हरियाली तीज के, है ना। हरियाली तीज से शुरू हो जाएगा ना। हाँ। तो फिर रक्षाबंधन तक चलता है, पूर्णिमा तक। लेकिन एक दिन के महात्म हरियाली तीज का ज्यादा महात्म है। उस दिन जब दर्शन कैले तो फिर शरीर कहीं भी छूटेगा आवागमन से मुक्त। मैंने लक्ष्य चौरासी में भ्रमण करना। अरे वाह, बहुत। इसलिए महात्म है यहाँ। अपने बहुत खिलाया वही फल मिल जाए। अब देखिए, अब अयोध्या में कल्पवास करें या कतना जो है, तो वो जो है उसमें सेवा करना पड़ता है, जमीन चाहिए। अब इसमें अपने पौरुष से आया वो फल पा जाता। देखिए भगवान के विधान कोई काट नहीं सकता है, कोई नहीं काट सकता। आज के नेता लोग विधान बदला करते हैं, दिन रात वही बनाए, हम नहीं बना पाते। लड़कियां जवानी बुढ़ापा वही बनाते हैं, ठंडी गर्मी बरसात वही बनाए, बिल्कुल नहीं बना पाते। बिल्कुल बिल्कुल। ये चरण पादुका किनकी? गुरु लोग आए, गुरु लोगों के। अच्छा, ये है महंत श्री सीता राम दास जी। राम राम जय जय राम 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 जय राम राम जय जय राम और ये देखिए कितनी अच्छी लाइनें लिखी हैं। तुलसी ये तनु खेत है, मनवज कर्म किसान, पाप पुण्य द्वय बीज हैं, बुवै सुलवै किसान। क्या बढ़िया लिखा है। और मित्रों चलिए अब हम आपको दिखाते हैं हनुमान जी का मंदिर, जहाँ पे श्री राम सीता हो वहाँ हनुमान जी ना हो, ये तो संभव नहीं है ना। तो चलिए अब हम हनुमान जी के दर्शन करें। तो मित्रों जैसा कि पुजारी जी ने भी बताया था कि यहाँ पर एक जनौरा नाम का गांव था, जहाँ पर महाराजा जनक ने निवास किया था, और उस जगह को जनकौरा भी कहा जाता है, क्योंकि महाराजा जनक ने यहाँ पर कौर मतलब भोजन खाया था, जिसे हम बाइट बोलते हैं ना, तो उसे हिंदी में कौर बोला जाता है। तो उसी को जनक जी ने खाया था, तो जनकौरा नाम दिया गया उसको। और उसी भोजन के फलस्वरूप महाराजा जनक ने राजा दशरथ को बहुत सी मड़ियाँ भेंट की थी। तो ये कहानी यहाँ से जुड़ी हुई है कि उसको जनकौरा क्यों कहा जाता है। और देखिए कितनी ओल्ड एज की माँ जी हैं और कैसे धीरे धीरे उतर के जा रही हैं, मतलब यहाँ की बहुत ही मान्यता है। यहाँ पे बहुत
बहुत ही श्रद्धा भाव से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, और वाकई में एक इतना अच्छा स्थल है और इसकी कितनी मान्यता है ये तो आप समझ ही चुके होंगे कि पहला श्री राम का स्तंभ यहीं पर लगाया जा रहा है। तो आप जब भी अयोध्या आएँ तो यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर आइएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो अब मैं चलती हूँ वापस, मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नई जगह के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता सीते, जय हनुमान।